से खबर। गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में अलर्ट है। दिल्ली में दो आतंकियों की गिरफ्तारी होने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में खासतौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। सोशल साइट्स पर भी पुलिस नजर रखेगी। खुफिया एजेंसियों से जो इनपुट्स मिले हैं उसके बाद पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। चलिए रुक करेंगे लखनऊ से। हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, किस तरह के निर्देश या किस तरह की चौकसी बरती जाएगी, पुलिस मुख्यालय का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, दिल्ली में दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो इनपुट मिले थे उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में जो है अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से बाकायदा जो है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, साथ ही साथ अयोध्या में जो है काफी सतर्कता बढ़ने के लिए आदेश जो है जारी कर दिया गया है। जिसके बाद अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसको लेकर भी जो है खुफिया विभाग को इनपुट मिला था कि नेपाल के रास्ते कुछ आतंकी जो है अयोध्या आ सकते हैं और इसके बाद वहां पर कुछ जो है आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही जो है पुलिस जो है लगातार जो है चेकिंग कर रही है, बाकायदा आधार कार्ड, परिचय पत्र, तमाम अन्य तरह के जो आइडेंटिटी कार्ड है उनकी चेकिंग हो रही है और जो पहिया चार पहिया वाहनों की चेकिंग हो रही है। कुल जैसे दिशा निर्देश जो है मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े गए, उनसे जो इनपुट मिले थे वो काफी जो है हमलों से लेकर के थे। इसको लेकर के जो है उत्तर प्रदेश के जो खुफिया एजेंसियां उनको भी जो है इस बारे में जो है जानकारी दी गई, जिसके बाद जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजीपी उत्तर प्रदेश जो डीएस चौहान उनकी तरफ से जो है ये निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जो है यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं वहां पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अयोध्या को लेकर के जो है, हालांकि अगर अयोध्या की बात करें तो वहां पर पहले से भी जो है पुलिस सुरक्षा रहती है, क्योंकि वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसके आसपास का जो इलाका है वो पुलिस छावनी में ही लगभग तब्दील रहता है, लेकिन सतर्कता और बढ़ा दी गई है क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान बेस जैसे जो जैसे मोहम्मद जो संगठन है, आतंकी संगठन है, उससे कुछ लोग जो है नेपाल के रास्ते एंट्री कर सकते हैं, अयोध्या पहुंच सकते हैं और राम मंदिर के आसपास किसी तरह की गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है सतर्कता बढ़ा दी गई है और इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद जो है पुलिस जो है वो लगातार चेकिंग कर रही है वाहनों की, व्यक्तियों की, उनके परिचय पत्र की, उसके बाद ही उनको जो है अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए।